हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज हम बात करेंगे गलाडिया मल्टी पेटल फ्लावर प्लांट के बारे में। बात करते हैं इसके पॉट साइज की। आप 12 से 14 इंच का पॉट इसको दे सकते हैं और आपने पिंचिंग इसकी करनी है। जैसे 6-7 इंच की इसकी जो स्टेम होती है उसके बाद आपने पिंचिंग करते रहना है। इसकी जितनी आप पिंचिंग करेंगे उतना ये जो घना होगा, जितनी स्टेम निकलेगी उतने इसमें फ्लावर खिलेंगे। तो हो सके इसको आप क्ले पॉट दे दीजिए। अगर आप प्लास्टिक पॉट देते हैं तो उसमें जो ड्रेनेज होल है वो अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए और जो है मिट्टी इसकी है वेल ड्रेन होनी चाहिए। बात करते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी इसके लिए जो है हल्की आप बनाएं और जो मिट्टी की रेशो है वो आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% आप कंपोस्ट ले सकते हैं, कंपोस्ट आपके घर में जो भी अवेलेबल होगा, और 10% है राइस हस्क ले सकते हैं, 20% जो है आप सैंड ले सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो राइस हस्क नहीं है तो आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% आप कंपोस्ट ले सकते हैं और 20% जो आप है सैंड ले सकते हैं। तो अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप 60% गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 40% आप कंपोस्ट ले सकते हैं। इस तरह की मिट्टी भी आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट है, राइस हस्क है, सैंड है तो आप इसको भी आप 10-10% की रेशो में मिला सकते हैं। तो 50% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% आप कंपोस्ट ले सकते हैं, 10% सैंड ले सकते हैं और 10% आप कोकोपीट ले सकते हैं, 10% आप राइस हस्क ले सकते हैं। इस तरह की मिट्टी आप इसके लिए बना सकते हैं। बात करते हैं इसकी खाद की। जब इस प्लांट की रिपोर्टिंग की जाती है तो अच्छे से इसमें जो कम्पोस्ट है वो मिला दीजिए और फिर उसके बाद है 1 महीने के बाद आप इसको खाद दे सकते हैं। जो पॉट है उसके चारों तरफ से आप 2 इंच की मिट्टी हटा दें और हटाने के बाद उसमें एक रिंग बना लें और चारों तरफ उस खाद को है 2 मुट्ठी आप फैला दें। फैलाने के बाद उसी मिट्टी से आप उस एरिया को ढक दें अच्छे से। फिर आपने उसमें पानी देना है, लेकिन जो सॉइल में हमने कंपोस्ट मिलाई है वो हमारी ड्रेनेज होल से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें जो है वो 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं देना है। एक बार इसमें फूल खिलना शुरू हो जाए तो फिर इसको बार बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय है रेनी सीजन। आप बरसात में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। बात करते हैं इस पौधे को ग्रो कब कर सकते हैं। मैंने 2 अप्रैल को इसको ग्रो किया था। फरवरी मार्च अप्रैल तक इसको जो है आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए मिट्टी आप कोकोपीट ले सकते हैं। एक तो कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं, दूसरी आप सैंड में ग्रो कर सकते हैं, इसमें आपने कुछ नहीं मिलाना है। तीसरा जो मिक्स है वो आपने हाफ पार्ट गार्डन सॉइल हाफ पार्ट सैंड लेके मिक्स करके इसमें भी आपने कुछ नहीं मिलाना है, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को पूरे डे की सनलाइट में भी आप रख सकते हैं क्योंकि गर्मी का ही फ्लावर प्लांट है। मैंने इसको फुल डे की सनलाइट में रखा हुआ है। कम से कम 7-8 घंटे की जो धूप है इसको अगर मिल जाए तो अच्छी ये फ्लावरिंग करता है, अच्छे फूल खिलते हैं। इसलिए इस पौधे को धूप वाली लोकेशन में रखें, गर्मी की पूरे धूप में रखें तो इस पौधे, ये गर्मी का ही पौधा है और ये तेज धूप में चलने वाला पौधा है, बहुत हार्डी प्लांट। बात करते हैं पेस्ट इंसेक्ट डिजीज के बारे में। देखिए इस पौधे में जो पेस्ट इंसेक्ट है वो कम लगने की संभावना होती है, बहुत ही कम, तो इसमें नहीं लगते हैं। मेरे पौधे में तो नहीं अब तक लगे हैं, लेकिन इसमें जो रूट में जो आप पॉट में पानी रुक जाता है, मिट्टी अगर पानी सोखने वाली मिट्टी हम बना लेते हैं तो रूट रॉट होने की जो ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसकी जो मिट्टी है उस वेल ड्रेन बनाएं और मिट्टी हल्की पोरस होनी चाहिए, उसमें जो पानी रुकना नहीं चाहिए। और अगर कम पानी अगर आप इसको देते हैं तो इस प्लांट को कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो ज़्यादा पानी हम गलती से दे भी लें तो हमारे प्लांट ये जो रूट रॉट होकर हमारा प्लांट मर भी सकता है। देखिए बात करते हैं पानी की। ये काफ़ी गर्मी को सहन करने वाला जो फ्लावर प्लांट है, सहनशील पौधा है ये। इसमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे फूल खिलना शुरू हो जाए तब हल्की सी नमी इसमें बना के रखनी है। फिर आपने जो है इसकी मिट्टी को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं होने देने, जैसे पत्ते बिल्कुल लटक जाते हैं, वर्ड्स इसके बिल्कुल नीचे लट जाते हैं,
फ्लावर लटक जाते हैं। इस तरह की आपने मिट्टी फिर नहीं बनानी है, फिर नमी बना के रखनी है। तो इस पौधे को है जो बरसात में अगर आपने बॉटम ट्रे रखी है नीचे, तो वो आपने बॉटम ट्रे जरूर हटानी है, उससे आपके पौधे में रूट रॉट हो सकता है। अगर आपके गार्डन में ये सर्दी में भी पौधा बना रहता तो इसको ये बहुत ही ज्यादा आपने कम पानी देना है। पौधे को ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। देखिए, जब फ्लावर बिल्कुल मुरझा जाता है, डेड हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसकी डेड हेडिंग करते रहने, फ्लावर जो मुरझाए होते हैं उनको निकाल देना है। तो समय समय पर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको फ्लावरिंग करता रहेगा, अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और नए नए जो फ्लावर बर्ड्स है वो खिलते रहेंगे। सर्दी में ये फ्लावर प्लांट आपके गार्डन में ग्रो करता है, अगर इस प्लांट को आप बचा सकते हैं तो फरवरी मार्च में फिर इसकी जो है वो प्रूनिंग करके न्यू जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। जब ज्यादा 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो जाता है विंटर में आपका, तो आपने इसको जो ट्रांसपेरेंट चुन्नी है आपकी वो आपने देने हैं, इसके ऊपर ढक देना उससे, ताकि इसमें जो कोहरे की जो मार है वो उसको ना पड़े या हमारा जो फ्लावर प्लांट है वो बच जाए। इस तरह सिंगल पेटल, मल्टी पेटल, कई रंगों में फ्लावर प्लांट मिलते हैं। ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं, लोकल मार्केट से भी और नर्सरी से भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये थी मेरे फ्लावर प्लांट की इन्फॉर्मेशन पूरी जो मैंने इसकी केयर की है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय एवरीवन।